सो वेलकम टू द इंडियन एडवांसमेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर बीएससी नर्सिंग 2022 के लिए अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। ये अप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके लिए निकली गई है, रिलीज़ की गई जम्मू एंड कश्मीर बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ आपको क्या करना होता है। सबसे पहले अपने ब्राउज़र से google.com ओपन करनी होती है और वहाँ पर आपको टाइप करना होगा जो मैंने यहाँ पर टाइप की हुई है। और वहाँ पर आप टाइप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में यहाँ पर google.com ओपन कर देंगे। और आप google.com ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करके सर्च करेंगे जो मैंने टाइप किया, सर्च किया, सर्च करना। लास्ट में एक चीज़ नहीं बोलना, IAS पेपर फिल करना। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलती है। सर्च करना होता है, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। और आप जैसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, आप इसके IAS पेपर के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होते हैं जहाँ पर आपको अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने की जो नोटिफिकेशन वो दिखाई दे रही होगी आपको, तो रिलीज़ कर दिया गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ से आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा, डिटेल्स देख सकते हैं उसका, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और आप फिर देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया है। अब ये हम ओपन होंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल वेबसाइट पे बीएससी का, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं ना आप यहाँ से। तो ये यहीं से आप फिल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें कि क्या कैसे करता होता है, किस तरह से यहाँ तक आप पहुँचेंगे सिंपली। ठीक है, सिंपली तो इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, जेके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी टेक्नोलॉजी 2022 डेट देख सकते हैं, व्यू एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, स्टार्टिंग डेट कभी वगैरह सब देख सकते हैं, क्लोजिंग डेट जो लास्ट डेट है 26 अप्रैल को लास्ट डेट है। ठीक है, सारे यहाँ से फिल करना, पहले तो क्लिक हियर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर द अपलोडिंग इमेज। तो अगर आप जब इमेज अपलोड करने वाले प्रोसेस पे पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पर वो प्रोसेस को देखना, उस प्रोसेस पे जाकर के आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं, कभी भी आपको समझ में नहीं आया, क्या पता कुछ तो इशू हो सकते हैं। तो उसके वजह से इशू ना आए उसके लिए आप यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए कि क्या है, प्रॉब्लम ना आ जाए कुछ। क्लिक हियर फॉर टू द रीड इंस्ट्रक्शन फॉर द अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो डॉक्यूमेंट्स का देख लीजिए क्या क्या, कितना एमबी होता है, कितना जेपीजी फॉर्मेट क्या लगेगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। ओके, फिर आप ये देख सकते हैं, फॉलो द दिस स्टेप टू द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा, सेकंड मेक पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो आप क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन, मेक पेमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड लास्ट में प्रिंट निकालना होता है। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर, देखते हैं यहाँ पर क्या है, सारा डिटेल्स पढ़ना, आई हैव रीड अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, आपको होम वगैरह दिखाई दे रहा है। चूज द कोर्स, कोर्स चूज करना मुझे, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर में लिखना है मेरा, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर, फादर नेम, मदर नेम, डे कौन सा डे, मंथ, ये सब चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है सिंपली यहाँ पर। डेट ऑफ इश्यू, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हो गया, कैटेगरी, इशू डेट ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, मंथ, ये सब चीज़ें। फिजिकली आप चैलेंज पर्सन बतानी होती है, एग्जामिनेशन सेंटर बतानी है, सेलेक्ट करना है यहाँ पर जम्मू, ईमेल बताना है यहाँ पे, कंफर्म ईमेल बतानी है, एड्रेस लाइन वन ये सब फिल करनी है यहाँ पर, एंड डिस्ट्रिक्ट बतानी है, पिन कोड बताना है, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, एड्रेस वन, एड्रेस टू एंड एड्रेस थ्री, पिन कोड, स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो टेरिटरी यहाँ पर बताने के बाद आपको मोबाइल नंबर बताना होता है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर देना होता है। ठीक है, ये देने के बाद आप आते हैं जहाँ पर स्टूडेंट हु रिजल्ट इज अवेटेड शुड नॉट एंटर मार्क, जिसका अभी रिजल्ट आया नहीं है ना, अभी वेट कर रहा है रिजल्ट आने का, वो अपना मार्क्स नहीं एंटर करेंगे। ठीक है, सिंपल, अगर आप पास हैं तो ही आप अपना सब कुछ यहाँ पर फिल करें, मीन मार्क्स फिल करें। ठीक है, बाकी तो एंटर डेट वगैरह सब यहाँ से करना होता है। फिर यहाँ पर आप अपना मार्क्स वगैरह लिखेंगे जो आपको यहाँ पर बताया मैंने, तो मैक्सिमम मार्क्स बताएंगे कितना, मतलब अगर आप
आपने मतलब एग्ज़ाम मतलब अभी तक दिया है, मतलब अभी तक रिजल्ट आया नहीं है ना आपको, अवेटेड में है, तो आप यहाँ पर उसका मार्क्स नहीं लिखेंगे, ठीक है? बाकी सब यहाँ पर लिख देंगे, फेल कर देंगे सारी चीज़ें। फिर फोटोग्राफ्स वगैरह से यहाँ पर आपको सब सेलेक्ट करना होगा फाइल से, फिर वहाँ से आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? ये आपके रूल्स हैं। ओके सॉरी, गलती से बोल गया था। ओके तो क्लिक हियर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्लीकेशन। फिर यहाँ पर फोटोग्राफ्स के लिए क्लिक करना, अपने फाइल में सेलेक्ट करना एंड आपको यहाँ पर अपलोड करना। फिर लास्ट में इसी तरह से सिग्नेचर का भी और थंब इम्प्रेशन, थंब लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन भी चाहिए यहाँ पर। फिर डिक्लेरेशन में आई गेट बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो करेक्ट वगैरह सब यहाँ पर मैंने जो दिया है सब करेक्ट है। और वेरिफिकेशन कोड में क्या करना होता है कि आपको एंटर करना होता है आपका वेरिफिकेशन कोड, फॉर एग्जांपल IFPEQD, ये जो है ना आप देख सकते हैं। ओके ये सभी डिटेल्स फिल करनी होगी आपको, फिर सबमिट करेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे ना, तो ये करते हैं सबमिट। फिर आप अपना देख पाएंगे कि ऐसा कुछ दिखेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर नॉन इन ओके एडिटेबल। आप एक बार सबमिट करते हैं, दूसरा दोबारा आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते एक बार, ठीक है? वेरीफाई दैट अबाउट डिटेल्स करेक्ट, एक बार जरूर चेक कीजिए आपका डिटेल्स आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर करेक्ट देन क्लिक हियर। तो मेरा सब करेक्ट है तो मैं यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर दूँगा। और योर एप्लीकेशन नंबर इसे आप नोट डाउन करके रख लेना है। और स्टेप सेकंड में जो है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, आप यहाँ पर क्लिक करना है। अब जब भी मेक पेमेंट के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया जाता है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करनी होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने डेट ऑफ बर्थ जब भी आप यहाँ पर फिल किया रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ फिल करके बताना है। और यहाँ पर आपको बतानी है ये क्या बोलते हैं 4U81P एंड सबमिट। आप किससे चाहते हैं, क्लिक ऑन बटन, बिल्ड एक्स, इजी पे, जो भी आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। लास्ट में आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस और 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी होगी, रीड द प्रोसेस फॉर पेमेंट, आप यहाँ पर क्लिक करके आप पेमेंट के ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सारे बैंक यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपको ईजी लगे आप पेमेंट कर लीजिए यहाँ से। तो इस तरह से आपको पेमेंट करना और अप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस ऐसे एंड टू एंड कम्प्लीट करनी थी। अगर डाउट है अभी भी किसी भी प्रोसेस कंप्लीट करने में तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक चेक कीजिएगा, लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्लिक करके इस पेज पर आइए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।